गाइस दिस इज़ आवर होटल और ये हमारी गाड़ी यहाँ पे लग रखी है। ये होटल शिव धाम एंड रेस्टोरेंट। कल रात यहीं हम लोगों ने स्टे किया था और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और ऑन रोड है। सबसे पहली बात तो है इधर से उत्तरकाशी, इधर के लिए उत्तरकाशी निकल जाएंगे और इधर के लिए गंगोत्री, तो दैट मीन्स कि ये हमारी लेफ्ट में है भाई। यहाँ से ना बड़ी अच्छी सी हवा आ रही है। तो चलो वहाँ तो धो लिया है, थोड़ा ब्रश व्रश करते हैं, इसके बाद थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पियेंगे फिर निकलेंगे फटाफट से। चलो यार वापस तो रूम में चलते हैं, थोड़ा नहा धो लेते हैं, घर से निकलना नहीं है क्योंकि ये ना बंद था। सो फाइनली ना यहाँ से चेकआउट कर लिया, अब हम निकल रहे हैं सीधा केदारनाथ के लिए। लगभग लगेज वगैरह गाड़ी में रख रहे हैं, हम लोग को लगभग 5-6 से 7 घंटे लगने वाले हैं। तो चलो गाड़ी में बैठते हैं, बाकी की बातें इन वादियों के साथ कर लिया। ठीक है, लेट्स गो। एक और सुबह, एक और नया दिन। आज अपने सफ़र का 4th डे है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इस संसार की सबसे खूबसूरत और इस संसार का स्वर्ग कही जाने वाली धरती केदारनाथ। ये सफ़र हमने कुछ 20-25 दिन पहले शुरू किया था और मौसम था बरसातों का। पहाड़ों में वैसे तो सभी मौसम खास हैं पर अपना फेवरेट तो बरसात है। मौसम देख रहे हो ना, हरियाली का रस टप रहा है मानो। अपना ये सफर चोपता तुंगनाथ के बाद का है, तो समझ लो कि बरसातों में क्यों रिस्क लेता हूं मैं, मतलब कि मोहब्बत सी है इस हरियाली से। सो गाइस अभी ना हम लोगों ने फर्स्ट स्टॉप लिया है चौरंगी खाल में और यहाँ पे ना सबकी जो फेवरेट है, उड़ीसा से हैं वो लोग, तो उनका फेवरेट है इडली डोसा सांभर, तो ये चीज है उनके लिए। जो डिशेस थी वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, सो दैट्स व्हाई हम लोग ने यहाँ पे स्टॉप लिया है। फर्स्ट स्टॉप हमारा यहाँ है, अब सब लोग वेट कर रहे हैं इडली डोसा का और खाते हैं। आज मैं भी टेस्ट करता हूँ, वैसे मैंने एक ही बार खाया था, आज दोबारा देख लेते हैं क्या पता टेस्ट। उस टाइम तो मेरे को इतना मतलब एक तरीके से ख़राब भी नहीं लगा कुछ मोड़, लेकिन यूनिक चीज़ थी वैसे। आज एक बार ही खा के देखते हैं, होप सो कि आज बढ़िया हो। आज का जो रूट मैप है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज का रूट मैप क्या है। तो हम लोग गाइस ये था हमारा रोड मैप, रेडी होने वाला है अपना खाना, तो वो खाते हैं फिर करते हैं। ये अब हो रहा है इडली सांभर का वेट, इडली डोसा सांभर का वेट कर रहे हैं सबके साथ। यहाँ पर हम बात कर रहे थे आने वाले दिन की। खिट्टू सेना तो इतनी एक्साइटेड थी भोलेनाथ के दर पर जाने के लिए कि मानो अपनी भूख प्यास को तो सब चुरा कर बैठे हों। अब क्यों ना हो, आखिर जा भी तो भोले के दर पर रहे हैं। सुबह देखो हमारा ना ये इडली सांभर वगैरह आ गया है, तो सब लोग तो खा रहे हैं। कैसा लग रहा है, है कुछ दम है? तो भाई अब मैं भी खा के देख लेता हूँ कैसा है ना। सो गाइस फाइनली हम लोग ना अपने होटल में पहुँच गए, चेक इन कर लिया है। अभी हम लोगों ने ना अपना रूम वगैरह सब कुछ यहाँ, अपने बैग अनाउंस ये सब चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं, तो रूम बड़ा स्पेशियस है और बहुत बढ़िया है। तो चलो बाहर चलते हैं और आपको ना आज एक डिश दिखाते हैं जो भैया
जो हमारे गुरुजी लोगों ने बनाई है डिश। कहाँ गई आपकी डिश? कार भिजवा दिया आपने? उस साइड है। ये है हमारे शेफ जो आज हम जिन्होंने डिश बनाई है गुरुजी हमारे। और भाई लोकेशन बड़ी प्यारी है और मॉर्निंग का व्यू ना यहाँ से अमेजिंग आने वाला है। हाँ सुबह दिखाएंगे अच्छे से। और भाई लोकेशन ये है, अभी रात में तो इतना मतलब ठीक से नहीं दिखाई देगा। कॉटेजेस हैं, रिजॉर्ट, बिल्कुल बड़ा पीसफुल एरिया मतलब, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये देखो ये रहा हाईवे, अभी तो मतलब दिखेगा भी नहीं। ये हाईवे और यहाँ से नॉर्मल रोड के ऊपर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है मतलब। इनको गर्मी हो रही है, लिटरली गर्मी हो रही है। ये हाफ टी शर्ट और वो शॉर्ट्स में घूम रहे हैं अब लगाओ। ये देखो सही लग रहा है ना, शांत एरिया है ना बहुत। सुबह का नजारा दिखना है तब आएगा मजा, नहीं तब आएगा असली मजा। सुबह में हम और ये ना नेक्स्ट ब्लॉगर ये हैं हमारे, तो जब भी अपना चैनल क्रिएट करेंगे ना शाउट आउट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ये जरूर कर देना। ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। तो भाई यहाँ डिश के लिए जो हमारा ये आइटम है ना ये रेडी हो चुका है, बस वो आ गया। देखो बैंगन का भरता, आज कुछ अलग ही चीज खाने को मिलने वाली है सच में लिटरली। और भाई प्लेस बहुत अच्छा है लिटरली, और पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छा एरिया है। देखो तीन तीन गाड़ियां खड़ी हो रखी हैं, हमारी भी है और ये गेस्ट हैं और बाकी के, और वहां से है एंट्री। ठीक है तो चलो देखते हैं कि क्या बन रहा है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, है ना। लग रही है आओ चलो किसी से मिलाता हूँ। अभी तक नहीं समझे? रुको देखो, ध्यान से देखो, ये हसीन वादियाँ, ये खुशनुमा समान, ये ठंडी हवा, ये झुका आसमान। यहाँ खुशबू है वादियों में, यहाँ खुशबू है लोगों के किरदारों में। यहाँ धूप क्या क्या सावन, बहारें भी बरसती हैं। बस यही तो एक जरिया है जहाँ आत्मा की शांति के लिए यहीं, हाँ हाँ यहीं करती ही एकमात्र जगह है। हाँ जी, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंचने वाले हैं धरती के स्वर्ग और पंच केदारों में सबसे पहले केदार केदारनाथ में, धरती का एकमात्र ऐसा स्वर्ग जहाँ हम जैसे इंसानों को जाना भी अलाउड है। और मेरी नज़रों से देखो तो धरती की एकमात्र ऐसी जगह जहाँ आप खुद को भगवान के समीप पा रहे होंगे, खुद को खुद से चुरा रहे होंगे। अब प्लानिंग तो भोर सुबह में ही निकलने की थी, पर हमारे कुछ जवान यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से इतने घुल मिल गए कि इस जगह से लेट निकलने का मन बना लिया। और फिर क्या था, हम भी प्रकृति के इस जादू में खो गए। अब यहाँ से शुरू होती है हम भक्तों की अपने आराध्य से मिलने की कुछ कठिन और कुछ कुछ सुकून से भरी यात्रा। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज की सुबह आज हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ। तो केदारनाथ का ट्रैक लगभग 16 किलोमीटर का होने वाला है, लेकिन हम लोग इस बार क्या है ना कि घोड़ों से जाएंगे। और देखो यार बैक साइड का व्यू, अभी फिलहाल जो है चारों तरफ बादल आ गए हैं ना, तो जो सुबह मॉर्निंग में पीक्स दिख रही थी वो अब नहीं दिख रही है। और यहाँ देखो पूरा फोटो सीन चल रहे हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है लगी लेवल की। तो भाई जस्ट तैयार हो गए, 5 बजे उठ गया था, सबको रेडी वेडी करवाया और अब सब रेडी हैं लगभग। थोड़ा सा एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे भाई, ऊपर खेत वेत हैं। ये देखो यहाँ से ना बड़ा अच्छा सा व्यू आ रहा है, खूबसूरत सा, देखो दिखाता हूँ मैं। अभी हमारा कॉटेज जो है ना ये चौखंबा व्यू रिजॉर्ट करके है इसका नाम। और भाई यहाँ से ना वो सारी पीक्स दिखती है, रुद्रपुर में है ये जगह, रुद्रपुर में जहाँ हम लास्ट टाइम रुके थे, शायद से वो आगे हैं उनका ना घर है ना। तो आज तो इस बार हम कॉटेजेस में रुके, बहुत अच्छी कॉटेजेस हैं, कॉटेजेस एंड रूम तो ऑलमोस्ट सब सेम रहते हैं, बट यहाँ से जो व्यू है वो बहुत अच्छा व्यू है। तो आओ आप भी यहाँ पे कभी आना हो तो यहाँ पे रुको, मैं सारे कॉन्टैक्ट डिटेल सब मेंशन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। और एक चीज़ और, जब भी आप आए ना तो यार फ्रॉड से बच कर रहें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं बट वो फिर उसके बाद फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो जब भी आएँ तो पूरा चेक करके, ठीक है, श्योर मेक श्योर करके अपने आप को कि हाँ यार ये जेन्युइन है तो उसको पेमेंट करना चाहिए। ठीक है, एडवांस पेमेंट होता है लेकिन आपको पहले अपने आप को श्योर करना पड़ेगा कि ये जेन्युइन है। ठीक है तो अब चलो चलते हैं, कुछ चाय पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे आगे, लेट्स गो। सो गाइस ऑल सेट टू गो, अब हम लोग निकल रहे हैं, बैग वैग सब पैक हो गए, गाड़ी भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो चलो मिलते हैं खुशनुमा सफर पे। चलिए, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी रहा हम लोगों का जो यहाँ था, और यहाँ से फ्रंट का व्यू बहुत खूबसूरत था।
अब हम लोग निकल रहे हैं, सब रेडी हो गए हैं, अब भाई निकलते हैं क्योंकि जल्दी जाना है, क्योंकि ना ऊपर ना बारिश की वजह से टाइमिंग का कुछ पता नहीं है कि कहीं गेट बंद ना हो जाए गौरीकुंड के, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि 2 बजे से पहले पहले अगर एंट्री नहीं ली तो वो बंद हो जाते हैं गेट। तो चलते हैं जल्दी से जल्दी और पहुँचते हैं वहाँ पे, जिससे कि आगे की प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े भाई, प्रॉब्लम नहीं करनी, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, बाकी तो सॉल्व आउट होते रहे बहुत अच्छा है। तो चलो अब हम लोग यहाँ रुके थे इस वाले एरिया में, ये था हम लोगों का एक रूम, ये वाला था अपना, और 2 रूम हमारे ये थे। तो चलो चलो चलते हैं, निकलते हैं ना, लेट्स गो। सो गाइस फाइनली गाड़ी निकल गई है, हर हर महादेव निकल गए, अब सीधा मिलेंगे ऊपर गौरीकुंड, ठीक है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। कितनी देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग, कुछ आइडिया है आप लोग को? रास्ता कितना है बोलो। नहीं जल्दी पहुंचने वाले हैं, टाइम नहीं, नहीं कम टाइम में पहुंच जाएंगे, नजदीक ही है। चुप ना, पूरा मिला पड़े ऐसे करे। बाकी अभी तक का जो रोड का एक्सपीरियंस और कैसा लगा अभी तक का एक्सपीरियंस बताओ आप लोग, बोलो। हाँ अभी तक कैसा लगा, वैली कैसी है अभी तक? एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, और सुबह के पहाड़ जो पहाड़ दिखे चौखंबा की पीक, हाँ वो बहुत बढ़िया था, मजा था ना, 5:30 बजे व्यू बहुत बढ़िया था। अच्छा आप मॉर्निंग में उठे थे ना शायद? इन्होंने बहुत अच्छा व्यू देखा हम लोगों ने, वो व्यू था ना, आप भी आप लेट उठे थे वो सबसे पहले उठे, इनसे पहले मैं उठा था, आपको मिल के गए ना, फिर सो गए, मैं आपको सुबह मिला फिर जाके सो गए। अच्छा नहीं खड़ा आपसे पहले, तो फिर वो सबसे पहले उठे हैं शायद, आपसे भी पहले वो उठे, उन्होंने वो चीज देखी जो हम नहीं देख पाए। सो गाइस फाइनली ना हम लोग यहाँ पे उतर गए सोन प्रयाग में, अभी यहाँ से अब हम लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करवाना है, फिर उसके बाद गाड़ी पे बैठ के फिर ऊपर जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ना हम लोग क्या कर रहे हैं, रेनकोट खरीद रहे हैं, क्योंकि रेनकोट लाना बहुत ज़रूरी है, कभी भी कुछ भी बारिश हो सकती है कभी भी। यहाँ से गौरीकुंड कितना है? यहाँ से गौरीकुंड है 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता, क्योंकि देखो देखो वो टैक्सी जा रही है ना, जैसे हम लोग उन टैक्सियों में बैठ के जाएंगे उधर को। अच्छा, और यहाँ पे वहाँ तक गाड़ी में जाएंगे? वहाँ तक गाड़ी है गौरीकुंड, गौरीकुंड से घोड़ा या पैदल ऐसा। अच्छा वहाँ से स्टार्ट होगा ये वाला केदारनाथ। ये पार्किंग तो ऐसा फुल हो जाता है ना, बोर्ड लगाना पड़ जाता है इन लोगों को, भैया पार्किंग खोला है कहीं और जाओ, तभी तो वो सिंगल वे वो बैरिकेडिंग लगा के रखते हैं उधर। इधर कोई तो जाना है। सो गाइस देखो अभी तो हमारे को टाइम नहीं बचा, नहीं तो हम लोग का पहले जो प्लान था वो था त्रिजुगी नारायण जाने का, बट अभी हम लोग को लेट हो जाएगा ना, तो इस वजह से अब हम लोग सीधा जाएंगे गौरीकुंड और फिर केदारनाथ वहाँ से, क्योंकि आजकल का जो है मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि गौरीकुंड में बैरिकेडिंग लगा के पुलिस वाले आगे जाने से मना कर दे रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था 4 तारीख को, तो एक मैंने पुलिस वाले भैया से इंक्वायरी करी थी, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि 2 बजे के बाद एंट्री नहीं है, और अगर बारिश हो जाती है तो उससे जल्दी भी एंट्री बंद कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया डायरेक्ट चलेंगे भोले के पास, क्योंकि भोले हमें जल्दी बुला रहे हैं अपने पास। ये लास्ट टाइम आए थे 2013 में, और लिटरली एक भैया हैं, मैं मिलवाऊंगा उनसे, उनको ना रात में एक सपना आया था कि भाई बाढ़ आ रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तहस नहस हो रहा है, लेकिन इन्होंने क्या करा, मतलब होता ही है, किसको विश्वास होता है इतना। तो भैया उनका भी बुखार आया था, उनको सुबह भी बुखार आ गया, सुबह भी बुखार आ गया, उसको हमने टैबलेट दिया और 5 बजे निकल गए ऊपर, ऊपर निकल गए। फिर हम लोग यहाँ से जा गए दिल्ली, पहुँचे दिल्ली में, तब जाके पता चला कि इतना बड़ा बाढ़ है। 2 दिन का गैप में, दो दिन के गैप में, मतलब कि इस बीच में क्या हुआ, इन्होंने
उनको क्या करा कि टैबलेट गिला के सुला दिया। वो ऊपर चढ़ा भी नहीं था, वो ऊपर नहीं चढ़े थे, वो यहीं रुके हुए थे नीचे, ये लोग ऊपर गए। अब क्या हुआ कि जैसे ये लोग ऊपर से गए और बारिश तो कंटिन्यू था, तो जैसे ही ये नीचे आए और दिल्ली निकल गए, मतलब जैसे ही दिल्ली पहुंचे यहाँ बाढ़ आ गई थी, तबाही आ गई थी। तो उनका सपना एक तरीके से सच हो गया था। अब ये जो है ना उनके हर चीज़ को मानते हैं कुछ भी बोल देगा भैया हाँ ठीक है वापिस चलो, ऐसा है। उस दिन के बाद से ट्यूशन्स हो जाते हैं, किसी को आ जाता है, पता चल जाता है ये सब चीज़ है ना। रात को मैं उठा था दो बजे के आसपास ऐसा मतलब हटा, मतलब अपने आप उठ के बोले ये हो रहा है। मैं बोला सो जा, कुछ नहीं, तुझे बुखार है, कुछ सो जा। हाँ बुखार की वजह वही होता है ना कि भाई उनको बुखार है तो उन्होंने सोचा होता है तबीयत खराब है तो आ गया होगा, ऐसे डर लग गया है हल्का फुल्का। लेकिन वो बात जब सच हुई तो इन्होंने भी थड़ थड़ कांपे तो जरूर होंगे। तो चलो अब हम लोग ना जस्ट यहाँ पे सोनप्रयाग पहुँच गए, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हाल चाल है, रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ दो धाम ऐसे हैं कि यहाँ मुझे चांसेस लगते हैं कि रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक जरूर रहेंगे। हाँ क्योंकि अभी पहले दो धामों में तो हमारा कुछ भी चेक नहीं हुआ, जो भी हुआ ट्रिप कार्ड जो गाड़ी वालों का बनता है वो चेक हुआ, बाकी हम लोग को नॉर्मल जाने दिया। इस सफ़र में हमने हर प्रकार के मौसम को देखा, कभी धूप देखी तो कभी पल में बदलते बारिश के मौसम को भी देखा, और कुछ केदारनाथ के नज़दीक पहुंचकर सफ़ेद बर्फ की चादर में लिपटे खूबसूरत पहाड़ों को भी देखा। हर हर महादेव। इसी के लिए तो ये मौसम शायद परेशान कर देने वाला होगा, पर बॉस अपना तो एक ही फंडा है कि हर जगह हर फेरा प्रकृति का है, बस नज़रिया इसे देख लेने वाला रखना। तो भाई फाइनली हम लोग ना पुल पे पहुंच गए जहां से गाड़ी मिलती है ना, तो अब गाड़ी में बैठते हैं। यहां ना आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा भीड़ होगा भी नहीं, कर लिया ना हम लोग, चलो बैठो। कितने तो आगे चार बजे चार नहीं हमारा भैया इनका है, तो अरे इनका है 11 है, हमारे 11 लोग हैं। अरे भैया दो तीन कहाँ जाओगे, वैसे मैं खराब होती यार, चलो बैठो। तो भाई फाइनली गाड़ी तो हमको मिल गई है, यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अच्छा हुआ कि गाड़ी मिल गई। मैं बैठता हूँ फ्रंट पे, मैं बैठूँगा, वीडियो बनानी है मुझे, चलिए। तो फाइनली गाड़ी मिल गई, हैप्पी जल्दी मिल गई गाड़ी, हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अपने बंदे सारे बैठ गए हैं, हाँ उन्होंने ढूंढवाया गाड़ी। एक और बैठो भैया ऊपर, आगे हो जाओ थोड़ा सा, एक पतला सा बंदा जाओ, पतला सा। तो ऑल सेट टू गो और निकल रहे हैं हर हर महादेव। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए हमने एक कैब ली जो ऑलमोस्ट हमारे ग्रुप मेंबर से ही पूरी फुल हो गई, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा, और कैब भी 20 रुपये पर हेड के नॉमिनल से चार्ज पर मिल गई। फाइनली हम लोग ना उतर गए यहाँ पे, और क्योंकि ना जाम लग चुका है और वहाँ तक ही जाना नज़दीक ही है, पास में ही है बोर्ड, तो हम सोच रहे हैं कि पैदल चले आते हैं, तो चलो लेट्स गो। अब यहाँ से ना ज़्यादा दूर पैदल तो है नहीं, अब थोड़ी दूर में मतलब ये मान के चलो 50 या 60 मीटर पर अपना बोर्ड आ जाएगा केदारनाथ वाला, और उसके बाद कुछ 50 या 60 मीटर पर वो हो जाएगा गौरीकुंड। गोलीकुंड के एंट्री पे पहुंच गए, अब यहाँ से हम लोगों को एंट्री देनी है, फिर ऊपर चढ़ाई ट्रैक का चालू करेंगे। चलो गौरीकुंड हम लोग स्कीप कर रहे हैं क्योंकि टाइम लग जाएगा गौरीकुंड जाने में। तो सुबह से भी फाइनली हम लोगों को ना घोड़े मिल गए, और भाई इस बार का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। अभी एक घोड़ा जो हमें मिला है 3800 रुपीज़ में मिला है, बहुत ज़्यादा मतलब मशक्कत करनी पड़ी, फिर भी माने नहीं भाई, 4500 समथिंग बता रहे थे। तो अरे भैया आपकी जैकेट गिर गई, तो उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया 3800 में हुआ, मिल तो हमें 3200 में भी रहा था, लेकिन इन लोगों की थोड़ा यूनिटी ऐसी रहती है ना भाई कि ये फिर दूसरों को भी नहीं आता, तो चल कोई नहीं, आप क्या कर सकते हैं, हो गया जो हो गया, आप निकलते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए ये है कि मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके रखूँगा, और जिससे कि आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पिछली बार जिनसे मैंने नंबर लिया था उनका नंबर लगा लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, शायद बिजी होगा, हो सकता है, तो चलो कोई नहीं। वैसे तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता इन खूबसूरत वादियों को, इस ट्रैक को घोड़े की मदद से पूरा करने के लिए, पर इस बार कहानी कुछ और थी। किट्टू सेना ने ज़बरदस्ती घोड़े पर बिठा दिया, और उनके इस प्यार और स्नेह भाव को देख करके
मैं भी उन्हें मना नहीं कर पाया और घोड़े पर ही इस ट्रैक को कंप्लीट किया। अब तो बस इंतज़ार था बाबा केदार के दर पर पहुंचने का और उनके साथ अपने जीवन के हर सुख दुख को शेयर करने का। रास्ते में मिल जाएंगे वो। हाँ, लाइन लग रही है क्या अभी भी वो पुल पे? नहीं अब तो नहीं लग रही, घोड़ों की भी लाइन लग रही थी ना। हाँ, अब नहीं लग रही ना। सो गाइस फाइनली हम लोग ना फाइनली केदारनाथ पहुंच गए और पीछे के व्यू दिखाता हूँ आपको, कैसा लग रहा है? ऐसी हवा आ रही है स्वर्ग से ना, स्वर्ग से आ रही है सीरियसली। और आज बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है लिटरली यार। ठीक है कोई नहीं, इतना ठंडा तो होना ही था क्योंकि बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी भी हो रही है ना इस वजह से। और मैं आपको ना एक बार पीछे का व्यू दिखाता हूँ, जो व्यू है वो देखो, चेकआउट ये देखो भाई, पूरा बादल से भरा पड़ा है और अमेजिंग है, अमेजिंग है। ये बस कहाँ रुक रहे हैं सारे के सारे, आ रहे हैं धीरे धीरे आ रहे हैं। कहने की अब हम लोगों ने जो गेस्ट हाउस बुक किया हुआ है हम लोग को वहाँ पहुँचना है और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर रह गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है और ठंडा बहुत लग रहा है लेकिन। और भाई आज घोड़े ने ना 5 घंटे लगा दिए, पैदल आए फिर मैं थोड़ा है ना। हाँ तो पैदल आए फिर, पैदल आए मैं तो पैदल आया भाई, मज़ा आ रहा था जब चढ़ाई आ रही थी, जब बैठ जा रहे थे घोड़े पे और जब थोड़ा सा सही था। भारी वाला बैग लेकिन मतलब लेकर हाँ भाई। ये देखो एक जो 2-3 किलो बस सही है बस मेरे हिसाब से। ये टिप्स है एक बात, दोबारा टिप्स बताओ, दोबारा बताऊँ? हाँ आप लोग जब आओगे ना ज्यादा भारी वाला बैग लेकर मत आना। हाँ। और एक बड़ा वाला टिप्स बीच से ही घोड़ा लेना, कम रुपए मिलोगे। हाँ, मतलब नीचे से ना बिल्कुल भी, और घोड़े वाले के साथ जितना हो सके बार्गेन करो उनके साथ करो, हमने भी करनी थी। का तो भाई देखो क्या सीन है, आज हम लोगों का ना बहुत तगड़ा वाला, मतलब बहुत ज्यादा वाला खर्चा बैठा है क्योंकि एक घोड़े का हम लोगों ने कितना दिया, 3800 रुपए। और हम लाए नीचे से लेकर आना पानी, ऊपर से 20 का बोतल का 50-60 रुपए ले रहे। नहीं मतलब एक छोटी बोतल अपने साथ कैरी करो और झरने वरने से हाँ पीते रहो। और तो हमसे आ लिया एक घोड़े का 3800 रुपये और 11 घोड़े का सोलो कितने रुपए उसने कमा लिए बंदे ने। अब मैं इनको मना कर रहा था, कमाई है। हाँ कमाई है, कर सकते हैं लेकिन पीक सीजन है ये तो है, लेकिन पीक सीजन होने के बावजूद भी ना क्या था कि थोड़ा सा आगे चले जाते ना तो जैसे वो बोल दिया था उन्होंने 3200 में मान गया था वो, लेकिन फिर इन लोगों ने झगड़ा कर दिया इसलिए हमें उसमें ही आना पड़ा। लेकिन चलो कोई मिलते हैं ऊपर। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने ना चेक इन कर लिया रूम में और ये है हमारा रूम। बेसिकली रूम बहुत अच्छा है, आप देखो यहाँ से व्यू देखो कितना खूबसूरत है। ये खोलूंगा ना खिड़की पूरा खुल जाएगा, लेकिन छोड़ो खोलना नहीं है। यहाँ से व्यू देखो कितना खूबसूरत है, सामने पूरा केदारनाथ की बर्फीली पहाड़ियाँ दिख रही हैं। रेडी हो गए अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, थोड़ा बहुत फोटो सेशन करते हैं और उसके बाद जिया जी से भी मिलना है, जो पंडित जी हैं यहाँ पे उनसे भी मिल के फिर उनसे बाद डिस्कस करते हैं कि हमारे दर्शन कितने बजे तक होंगे, है ना। अरे वाह, ब्लैक ब्लैक सारे ब्लैक, अभी दो जगह तो ब्लैक ब्लैक हो गए हैं रेडी, और कौन तीसरा कोई भी है ब्लैक में? ब्लैक ना तो ब्लैक बस दो ही हो। ओ भाई ये कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं भाई लोग, दोनों भाई हो ना आप लोग? हाँ तो अभी तो ठीक है भाई, आप चलते हैं सीधा मंदिर के सामने, वहाँ पे फोटो सेशन करना है क्योंकि कल सोच रहे हैं कि हम फोटो सेशन थोड़ी बहुत करके और आज जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फोटो सेशन करके कल थोड़ा बहुत करके फटक से नीचे को निकल जाएं, ऐसा प्लान है। तो चलो निकलते हैं, लेट्स गो, लेट्स गो बाय। सो भाई हम लोग ना पहले रेस्टोरेंट में कुछ भूख लगी थी तो थोड़ा सोचा कि खा लेते हैं, और हमारे सोमो भाई क्या मंगवाया सोमो भाई ने? ओ जलेबी मंगवाई है, जलेबी खाते हैं, खा के बताओ तो ज़रा कैसी है। मस्त हो रही है सच में, एक बार मैं भी देखता हूँ। यार ये कितनी करारी है, ये जलेबी बहुत मस्त हो रही है, लिटरली बहुत मस्त हो रही है। समोसा तो खा लिया था हम लोगों ने, समोसे में इतना मजा नहीं था लेकिन जलेबी मस्त हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है भाई जलेबी। और अभी यार ये जलेबी वलेबी खाते हैं और चाय वाय पीते हैं फिर निकलेंगे सुंदर मंदिर में, मतलब अभी दर्शन नहीं करने, अभी तो हम जस्ट ऐसे ही जा रहे हैं आरती देखने के लिए,
कल हम लोग दर्शन करेंगे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। सो गाइस फाइनली केदारनाथ मंदिर में एक दो मंदिर के दर्शन कर लो, पीछे से बैक साइड से करवा देता हूँ। देखो भाई रात में व्यू देखो कितना अच्छा है, अमेजिंग व्यू है। ठीक है अब हम लोगों का जो प्लानिंग है हम सोच रहे हैं कि भैरवनाथ मंदिर चले आते हैं। तो गाइस फिर से एक और बार बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में आए हैं और ऐसा सा कुछ मौसम हो रखा है लिटरली, अभी हम लोग ना बादलों से भी ऊपर हैं और सारे बॉयज़ देखो वहाँ लगे हुए हैं अपना फोटो सेशन में, क्योंकि मैंने पहले ही सबको बोल दिया था कि देखो जो भी है फोटो सेशन आज कर लेना, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं है फोटो सेशन करने में। और तो चलो चलते दर्शन करने के लिए। ये कैसे लगा भाई? बहुत मजा रखा। बहुत ठंडी है भाई, ठंडा है ना, बहुत ठंडी है। अभी सब लोग फोटो वोटो खींच के नीचे से आए ऊपर भैरव माता से दर्शन करने के लिए, हम लोग भी दर्शन करके नीचे तरफ जा रहे हैं। नीचे जा रहे हो अभी? हाँ उधर चलो ना। हाँ किस तरफ? उधर। तो चलो पहुँच गए यहाँ पे भैरवनाथ जी के मंदिर पे बैकग्राउंड में। चलो पहले थोड़ा दर्शन करते फिर मिलते। तो गाइस हम लोगों ने ना फाइनली भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। लेकिन ना बारिश हो रही है, थोड़ी सी तेज़ हो रही है, हल्की हल्की तेज, लेकिन कोई नहीं जाना तो पड़ेगा, नहीं तो अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो भीग जाएंगे ना, है ना। चलते हैं ना, रुकना क्या है, वेट क्या करना है। और देखो यहाँ से केदारनाथ मंदिर के दर्शन देखो कैसा लग रहा है, कितना सुंदर। अभी रात में तो जब लाइट जल जाएगी ना पूरी, बहुत बुरी लगेगी, अमेजिंग। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से सीधा ऊपर अभी, क्योंकि ये वैली ना देखो अभी ना पूरी वैली जो है पूरे बादल से भर चुकी है, देखो इसीलिए बारिश हो रही है, बादल ही बादल लेके चारों तरफ पूरा बादल से भर चुका है। हम लोगों को जल्दी निकलना है नीचे क्योंकि बारिश तेज हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। सो गाइस देखो हम लोग ना अब जा रहे हैं नीचे, और लास्ट टाइम जो था ना मैं शंकराचार्य जी की मूर्ति के पास नहीं गया था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा बनाया हुआ है केदारनाथ वैली, है ना, इतनी खूबसूरत हो चुकी है। देखो ना मौका मिल रहा है भाई यहाँ बार बार आने का, भोले शंकर बार बार मुझे यहाँ बुला रहे हैं, जब भी मैं आ रहा हूँ ना अलग ही मौसम मिल रहा है। और कल मॉर्निंग में हमारा जो मेन है कि हम लोग सोच रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर में अर्ली मॉर्निंग में दर्शन करके फिर फटक से नीचे निकल जाएंगे। तो चलो यार नीचे चलते हैं। और देख लो यार केदारनाथ मंदिर यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, अमेजिंग लग रहा है, अमेजिंग। तो गाइस अभी सीन क्या है ना, तेज़ हो गए यार बारिश, हमने बहुत भीग गई जैकेट, अगर ये ज़्यादा भीग गई ना तो हम तो एक ही जैकेट ला रखे हैं कैरी करके, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी जो है पीछे मंदिर के पीछे बैक साइड में ना जाके सीधा रूम पे चलते हैं, यार भीग जाएंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो गाइस फाइनली आ गए यहाँ पे, बड़ा यार बारिश वारिश बहुत तगड़ी थी, सारे कपड़े गीले हो गए, और भाई इन लोगों ने इतनी फोटोज़ खींची हैं कि क्या बताएं, और हम लोगों को नहीं बुलाया इन लोगों ने, अपना अकेले अकेले भाग दें। ठीक है कोई बात नहीं, आएगा दिन आएगा, अपना भी दिन आएगा। ये चारों 1, 2, 3, 4 और ये पांचों भाग गए, और हम दोनों को उनको सूमो को और मेरे को छोड़ दिया, और फोटोज इतनी बढ़िया बढ़िया क्लिक करी हुई है ना इन लोगों ने। मैं दिखा रहा हूँ देखो फोटोज कितनी बढ़िया, दिखाना फोटोज ये है फोटोज, ये तो अभी कुछ नहीं, अभी शुरुआत है, अभी आगे देखते हैं। ये देखो भाई, ये है भाई हमारा मॉडल हीरो किट से ना वो बैठे ना वहाँ, और ये देखो भाई भाई अलग अलग एंगल से इन लोगों ने इतनी फोटोज खींची हैं, और हम लोगों को इन्होंने बुलाया तक नहीं, आपस में लगे हुए फोटो खींचे हुए, तो कितनी फोटोज खींची है लाइट रूम वाली फोटो भाई, ये करके एडिटिंग से अमेजिंग लवली। अब मैं ना सारी फोटोज लेने वाला हूँ, मैं क्यों मेहनत करूँ, कर ली मैंने जितनी होनी थी, अब ये फोटोज ले लूँगा और मस्त करके इनका थंबनेल बनाएंगे बेहतरीन वाली। और अभी फिलहाल ना ठंड नहीं लग रही है यहाँ पे, हमारे विंडो से इतना बढ़िया व्यू आता है, इतना बढ़िया व्यू आता है, बट यार आज दिक्कत ही हो रही है ना, चारों तरफ बादल ही बादल है, पूरे पहाड़ ना बादलों से भरे हुए हैं, तो इस वजह से दिख नहीं पाएगा हम लोग को, लेकिन मॉर्निंग में जो व्यू आने वाला तगड़ा खड़ा होने वाला है, खुश हैं सारे के सारे, बस मॉर्निंग में दर्शन हो जाए ना। चलो मिलते हैं सीधा कल सुबह भोले के दरबार में। पर एक चीज़ आपसे आज कहना चाहूँगा कि अपने सफ़र को मैं जितनी शिद्दत से आपके सामने ला रहा हूँ, क्या आप भी उतनी ही शिद्दत से मेरे सफ़र को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं?
वैसे तो मैं किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करता, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था कहीं कि बंधु बस अपने कर्म किए जा, फल की चिंता छोड़। पर आप सबसे बस इतनी ही गुजारिश होगी कि मेरे इस सफ़र को अपना प्यार दिखाएं और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपको अगले सफ़र में। तब तक के लिए जय भोले।